गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नमिता झा। आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए जा रही हूँ वो मैं किसके ऊपर पढ़ाने के लिए जा रही हूँ? व्याकरण के ऊपर। आज जो मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रही हूँ व्याकरण के ऊपर। बच्चों, प्रत्येक भाषा के अलग अलग नियम होते हैं और हमें उन नियमों की जानकारी करना अति आवश्यक हो जाता है। हमें उन नियमों से रूबरू होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम उन नियमों से रूबरू नहीं होंगे तब तक ना ही हम शुद्ध शुद्ध बोल सकते हैं, ना ही हम शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं, ना ही हम शुद्ध शुद्ध पढ़ा सकते हैं। ना ही आप शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं, ना ही आप शुद्ध शुद्ध पढ़ सकते हैं और ना ही आप शुद्ध शुद्ध पढ़ा सकते हैं। व्याकरण के द्वारा ही हमें वर्णों और वाक्यों के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के द्वारा ही हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। भाषा के नियमों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? बच्चों, भाषा के नियमों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? व्याकरण से। कहाँ से प्राप्त होती है? व्याकरण से। व्याकरण के नियमों की जानकारी जब हमें अच्छी तरीके से हो जाएगी, व्याकरण के नियमों की जानकारी को जब हम समझेंगे तभी जाकर के हम आपको शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं, शुद्ध शुद्ध पढ़ा सकते हैं, शुद्ध शुद्ध बता सकते हैं। अब देखिए, मैं ब्लैक बोर्ड पर बच्चे लिख करके रखी हूँ, आप प्लीज़ उसे नोट करिए। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण ही एक ऐसा शास्त्र है, जो भाषा को मानक तथा अस्थाई रूप प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है? भाषा को। व्याकरण, प्लीज आप इसे नोट कीजिए, व्याकरण के तीन अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तीन अंग होते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे लिखी हूँ वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। क्या क्या नियम होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अगर आपको यहाँ से लिखने में दिक्कतें आएगी, नहीं आप समझ पाएंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ मुँह से बता रही हूँ। आप यहाँ से नहीं लिख सकते हैं तो आप मेरी आवाज़ सुन करके लिख सकते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब देखिए, वर्ण विचार की परिभाषा क्या है? इसके अंदर वर्णों के स्वरूप, भेद तथा प्रकार आदि पर विचार होता है। वर्ण विचार में क्या आया? इसके अंदर वर्णों के स्वरूप, भेद तथा प्रकार आदि पर विचार होता है। अब देखिए, शब्द विचार में क्या आया? इसके अंतर्गत शब्दों के स्वरूप, प्रकार, भेद, लिंग तथा वचन आदि पर विचार होता है जो कि जब हम अगले दिन पढ़ाएंगे शब्द विचार, वर्ण विचार, तो हम उसकी परिभाषा अच्छे से करेंगे, तब हम आपको उसके ऊपर और अच्छे से समझाएंगे। अभी है वाक्य विचार। जब हम वाक्य विचार पढ़ने के लिए जाएंगे तो हम वाक्य विचार के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। वाक्य विचार में आ गया, इसके अंतर्गत वाक्यों की रचना तथा उसके भेद पर विचार किया जाता है। प्लीज आप इसे देखिए, समझिए। और आज जो मैं आपको व्याकरण के ऊपर बताई हूँ, व्याकरण के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। व्याकरण की जानकारी, व्याकरण के बारे में समझना, जब तक आप उसके नियमों को नहीं समझेंगे तब तक आप शुद्ध शुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शुद्ध शुद्ध ना बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना समझ सकते हैं। तो उसकी जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको व्याकरण के बारे में बताई, आप इसे नोट करेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, फिर जिस तरीके से मैं आपको समझाई हूँ आप मुझे उसी तरीके से समझा करके बताएंगे। ये आपका होमवर्क रहा, आप इसे याद ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।